आप देख रहे हैं शोषित पीड़ित समाज की मजबूत आवाज़, एकलव्य मानव संदेश। आज हम आपको दिखा रहे हैं चंबल में आई हुई बाढ़ से यमुना नदी में उल्टा पानी बहने लगा दिल्ली की तरफ। और ये आप देख रहे हैं वीर शहीद अखिलेश निषाद की समाधि, पानी में जो यमुना का पानी चढ़ा है। ये मढ़िया दिलीप नगर इटावा में समाधि डूबती हुई, इसी समाधि के पास वीर शहीद अखिलेश निषाद स्मारक सामने आपको विद्यालय नज़र आ रहा है, ये भी आधा डूब चुका है पानी में यमुना की में जो बाढ़ आई है। चंबल में अभी मध्य प्रदेश के कई ज़िलों में बारिश होने से चंबल का पानी बढ़ने पर उल्टा यमुना की तरफ, जब जहां उनका दोनों का संगम है वहां से पानी उल्टा यमुना में बह रहा है, और उल्टा बहने से ये बाढ़ इटावा जनपद में आप देख रहे हैं। इटावा जनपद का मढ़िया दिलीप नगर गाँव है जहाँ वीर शहीद अखिलेश निषाद का जन्म हुआ, उनकी समाधि स्थल अभी हम आपको दिखा रहे थे। ये उनके गांव के लोग, जो रास्ता है पानी का डूब गया है, जो समाधि को जा रहा है सामने को, वहाँ से ये लोग निकल करके आ रहे हैं पैदल इस तरह से, और खेतों में अपने जा रहे हैं तो खेतों में भी इनको इसी तरह से जाना पड़ रहा है। सारी फसल इस इलाके की आप देख रहे हैं पानी में डूब गई है, किसान परेशान है अपने यहाँ के। ये पूरा गाँव निषादों का है, और यहाँ इसी तरह से यमुना और दूसरी नदियाँ चंबल या गंगा, सभी नदियों के किनारे निषादों के गांव ज़्यादातर नदियों के किनारे बसे होते हैं, और हर साल इस तरह से आने वाली बाढ़ों से उनका जीवन हमेशा जो है परेशान होता है, और इस परेशानी से उनकी उन्नति हमेशा कम होती रहती है। ये समाज इसीलिए तरक्की नहीं कर पाता, इसी कारण इसको आरक्षण की, अनुसूचित जाति के आरक्षण, प्रवासित आरक्षण के लिए मांग होती रहती है। आप देख रहे हैं ये नज़ारा है इटावा जनपद की मढ़िया दिलीप नगर वीर शहीद अखिलेश निषाद के गाँव का, जहाँ पर पूरी खेती यमुना में आई हुई बाढ़, जो मध्य प्रदेश में भारी बारिश होने से काफ़ी बड़ी तादाद में पानी चंबल नदी से, जहां यमुना और चंबल का संगम होता है, वहां से उल्टा यमुना में बह रहा है, और उल्टे बाढ़ से ये पूरा इलाका डूब गया है। इस इलाके की आप तस्वीर देखिए, पूरी तरह से खेती बर्बाद है यहाँ के निषादों की, और ये इनके जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा इस तरह से उत्पन्न होता रहता है। यहीं वीर शहीद अखिलेश निषाद की समाधि हम आपको दिखा रहे थे इस तस्वीर, इस वीडियो के शुरू में, उनकी समाधि भी डूब चुकी है। ये लोग अपने खेतों में से घूम करके देख के आ रहे हैं, यहाँ इनका सारा ख़त्म हो चुका है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जनपद औरैया के असेवा गाँव की, जहाँ लोगों को जाने के लिए नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। ये गाँव पूरी तरह से घिरा हुआ है, चारों तरफ से पानी है, यमुना किनारे बसा हुआ गाँव, जहाँ पचनदा के पास इलाका पड़ता है, इटावा के लगा हुआ औरैया जनपद निषादों का गांव पूरी तरह से डूबा हुआ। अधिकारी मौके पर जाकर के मुआयना कर रहे हैं। इस तरह से आप देखिए, ये चंबल का इलाका है आगरा जनपद की बाह तहसील का, जहाँ पिनाट में लिफ्ट इरीगेशन का इलाका जो बनाई गई है, नहर कैनाल जहाँ से निकलती है, उसी जगह ये आप देख रहे हैं। ये पूरा बाढ़ का पानी चंबल का ये बाहर क्षेत्र का इलाका है आगरा जनपद का पिनहाट, यहाँ से लिफ्ट इरीगेशन कैनाल निकाली जाती है, उसी के पास ये आप देख रहे हैं चंबल के किनारे बसे हुए गांव पिनहाट की तस्वीर, जहाँ से पानी जो पिनहाट की तरफ जा रहा है चंबल का। इस तरह से ये सब निषादों के गांव की स्थिति है, पूरा यह इलाका निषादों का ही है। ये चंबल में आई हुई बाढ़ से इलाके के सब गांव, करीब बीसियों गांव में आज बाढ़ की स्थिति है। ये सब गांव घिरे हुए आप दिखाई दे रहे हैं, खेती यहां पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, लोगों को ऊंचे स्थान पर ले जाकर के अपने जानवरों को लेकर के रहना पड़ रहा है। ये बाढ़ जो चंबल में आई है, मध्य प्रदेश के इलाके में हुई भयंकर बारिश से चंबल की बाढ़ ने, ये बाढ़ बाहर क्षेत्र जो आगरा जनपद की तहसील है उसके पिनहाट और जैतपुर ब्लॉक में गांव पूरी तरह से, जो निषादों के गांव हैं वहां बाढ़ आ चुकी है। चंबल की बाढ़ से आगरा जनपद की बाह तहसील के गांव, इटावा जनपद, औरैया जनपद, जालौन जनपद, ऐसे ही अन्य ज़िले जो यमुना किनारे हैं, जहां सब बाढ़ों में घिरे हुए हैं।